तो देख रहे हो मैंने सारा सामान यहाँ पे बाहर रख दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सब देख रहे हैं आरडी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई में आ रहे हो, कतर में जा रहे हो, किसी भी अरब कंट्री में आ रहे हो तो आपको क्या कुछ पैकिंग करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग विजिट वीजा पे या फिर यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, मोस्टली सिक्योरिटी की जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आते हैं, तो क्या कुछ पैकिंग करनी चाहिए आपको, क्या सामान लेके आना चाहिए, वो सारा मैं आज आपको मेरा सामान दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये चीजें मस्ट जरूर से जरूर लेके आनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे आगे शुरुआत में परेशान ना हो। तो चलिए आपको मेरा बैग खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो भाई जब आप फ्लाइट के लिए आओगे तो आपको सीधी सी बात आपको दो बैग लेने पड़ेंगे, एक तो आपका हैंड बैग हो गया और एक आपके साथ लगेज बैग हो गया। लेकिन जो ये हैंड बैग है ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर मी, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या आप अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे हो तब ये आपके साथ रहेगा, या फिर अगर आप किसी भी काम के लिए, फॉर एग्जांपल अभी दुबई में आओगे, नए नए घूमने फिरने से जाओगे ना भाई, बुर्ज खलीफा पे, बीच पे, इधर उधर घूमने जाओगे तो हमेशा ये आपके साथ रहेगा। तो इस बैग के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, हमेशा अच्छा स्पेसेबल और बहुत ही नाइस बैग लेके आना, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने बैग्स के साथ, तो बैग की ही बात नहीं है, मैं हर चीज को अपने बहुत ही संभाल के रखता हूँ, क्योंकि आई रियली लव ओल्ड थिंग्स। क्योंकि मेरा जो कतर में जब मैं गया था उस टाइम मैंने इंडिया से बैग खरीदा था, वो मेरा बैग आज भी मेरे साथ है, वो यहाँ पे पड़ा भी सारा, वो बैग भी मैंने रखा हुआ है। तो ये बैग अभी मैंने रिसेंटली लिया था जब मैं इंडिया में गया था, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो, एक तो ये बड़ी चैन है, इसमें मैंने अपना ब्रश रखा हुआ है और मेरा चश्मा है और पर्स है और ये मैंने ओट्स खाए थे अभी ये है और ये काजू बादाम रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हो, जैसे मैंने अपना सीवी में हमेशा अपना रेडी रखता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो ये मैं हमेशा अपना तैयार रखता हूँ। और इसमें आप फाइल डाल सकते हो, अपना लैपटॉप डाल सकते हो किसी भी काम के लिए, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, चार्ज भी कर सकते हो, और ऊपर भी सामान है, इसमें आप चार्जर वगैरह कुछ भी रख सकते हो। तो ये बेस्ट बैग है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये तो हो गया छोटा बैग, अभी आपको अपने बड़े बैग की ओपनिंग करके दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या क्या लेके आया। ये है मेरा बैग और ये मेरा सारा सामान जो कि पूरा बिखरा है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अपने कैंप में वापस आया, मैं आउट लिविंग में था तो इसलिए ऐसा है। और आपको लेके आने के लिए इतने सारे कपड़े इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं तो अभी डेली व्लॉगिंग करता हूँ और मेरे को 2-3 साल हो गए जब जाके मेरे पास इतने कपड़े हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी शॉपिंग करता रहता हूँ। ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ले आऊँ, फैंसी फैंसी कपड़े, बट यहाँ पे आप पहन ही नहीं पाओगे, आपके पास ड्यूटी करने के बाद जाना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप कहीं पे बाहर जा सको, बहुत ही रेयरली कोई चांस मिलेगा। तो उस रेयरली चांस के लिए आप इससे बेटर होगा कि आप खुद अपने नए कपड़े खरीद ले, क्यों अपना इतना भारी बैग करना है कि ये सामान संभालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि आप जब जॉब करते हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप जॉब करोगे तो आपकी कभी यहाँ पे आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, कभी उधर उस कैंप में, कभी इस कैंप में, ऐसे चेंज होती रहती है क्योंकि ड्यूटी चेंज होगी, तो साथ में साथ आपको सारा सामान पैक करके लेके जाना पड़ेगा। सारे कपड़े एक बार मैं साइड में रख देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ये फोन होल्डर है भाई, अगर आपका भी मेरी तरह से ऊपर बैठ है तो आप इसको इस तरह से सेट करके और आप अपनी अपनी मूवीज देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हो मैंने सारा सामान यहाँ पे बाहर रख दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, पसीने भी आ गए, गर्मी बहुत हो रही है, ये सी काम निकल रहा है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या मस्ट लेके आना है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके इंडिया में आप चप्पल पहनते तो वो जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद चप्पल पहन के घूमोगे तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ आपको लेके आना पड़ेगा शेविंग की मशीन, ये अगर आप इंडिया में ले तो ठीक है, मैंने दुबई में ही खरीदी थी 22 दिरहम की। और उसके साथ ये हेडफोन बहुत जरूरी हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आप आराम से यहाँ पे बात कर सकते हो ऑन ड्यूटी, अगर आप कहीं पे कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हो, अगर आपका कोई फोन से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम है तो आप इजीली यहाँ से बात कर सकते हो आप। तो इन दोनों चीजों को करते हैं साइड में, उसके बाद आ जाती है बेल्ट। बेल्ट तो ऑब्वियसली आप पहन के आओगे, और अगर आपके पास इसको छोड़ दो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप को जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका बहुत सारा ऑफिस का काम हो सकता है, आपको कहीं ऑनलाइन अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो अगर आपके पास है तो जरूर लेके आना। अब इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद ये देखो भाई, मैं इंडिया से कितने सारे ये लेके आ रहा था, कोलगेट और ब्रश लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको टाइम नहीं लगेगा इन छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए, और आप आलस फील करोगे, तो ये भी जरूर ले आना अगर आप लेके आ सको तो। 10-10 की मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट मैं गुम कर देता हूँ, कभी वॉशरूम में भूल गया, सुबह सुबह नींदों में होते हैं, भूल जाता हूँ मैं कि कहाँ मैंने रख दिया है, और फिर अगले दिन देखता हूँ तो गायब मिलती है, तो मेरे को ये बिल्कुल अच्छा लगता है, इसलिए मैं 10-10 रुपए की मैं छोटे छोटे लेके आ रहा हूँ। और ब्रश का भी यही हाल है, मैं रख के भूल जाता हूँ, सुबह पता यार बहुत ज्यादा थकावट होती है रात के ड्यूटी करने के बाद, और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज के बारे में, ये है इत्र, ये अगर आप इंडिया से ना लाओ तो भी चलेगा, यहाँ पे आने के बाद आप खरीद सकते हो, अजमल से लेके आया था मैं, ये आप लेके आ सकते हो। और उसके बाद इसके बारे में मैंने बता ही दिया, और
ये है यहाँ पे दुबई में इस तरह का पावर प्लग्स लगता है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे। और फिर इसके बाद आप इंडियन अप्लायंस यूज कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कहीं से जुगाड़ करके लेके आ सकते हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे महंगा मिलेगा, इंडिया से मिले तो ले आना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ये बर्तन धोने के लिए। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए भी आप आलस फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना खाओगे बर्तन खराब हो जाएंगे, तो ये भी ले आना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक टिफिन भी लेके आ सकते हो अपने साथ में, जिसके अंदर आप अपनी जो पंजीरी बना के लेके आओगे वो तो मेरे को पता, लेके जरूर आओगे, मैं बताऊंगा क्या, लेटर बताऊंगा, खाने पीने की चीज में लास्ट में बताऊंगा क्या लेकर आना है। तो उसमें आप डालोगे, खाओगे, चम्मच भी लेके आना है, चम्मच भी याद रखना, चम्मच और बर्तन अपना जरूर लेके आना, और उसको धोने के लिए ये अपने काम आएंगे। और नेक्स्ट चीज के आगे बढ़ते हैं, ये होगी मेरी तरह दो तीन फोन है आपके पास, तो आप इसको किसी भी फोन के लिए ट्राई कर सकते हो। ये मैं इससे अपने ईयरफोन चार्ज कर लेता हूँ, इससे यहाँ पे मैं अपना एंड्रॉयड फोन और इससे मैं अपना एप्पल फोन चार्ज कर सकता हूँ, ये होगी। और होगी फिर जूते पॉलिश करने की, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद ये तो गोरिल्ला पॉड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आरडी व्लॉग्स। ये मैं अपने कैमरे का सेटअप है, मैं दिखाता हूँ, ये कैमरा है मेरा, ये कैमरा सेटअप है। अब इनको भी हम साइड में रखते हैं, ये सॉरी माय ड्रीम कैमरा, आई विल कीप यू वेरी आराम से, थैंक यू। और ये मेरा लोकोस्टे का चश्मा, जो कि मैंने दुबई में ही खरीदा था, ऑलमोस्ट 150 दिरहम का चश्मा था ये। और आपको पता है ये लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वहां से नहीं लोगे तो यहाँ पे आके खरीद लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होगी, आपको बाहर निकलोगे तो आप गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो ये लेके आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको भी अभी साइड में रखते हैं। और ये होगी डव साबुन, और इसके साथ आप कोई भी अदर साबुन लेके आ सकते हो, बट मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप मेडिमैक्स की साबुन लेके आना, वो नीम की साबुन होती है, क्योंकि यहाँ पे आके कईयों को पानी सूट नहीं करता, वाटर सूट नहीं करता, उसके बाद यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, कुछ भी परेशानी हो जाती है। तो अगर मेडिमैक्स की साबुन यूज करोगे आपको कुछ भी नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से गुजार पाओगे यहाँ पे टाइम। अभी नेक्स्ट चीज के आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सरसों का तेल। मेरी पूरी बड़ी बोतल थी, अभी ये इतनी सी रह गई है सरसों का तेल, दारू जैसी लग रही है, ये भी लेके आना जरूरी, क्योंकि मैं इंडिया में ये यूज करता था, यहाँ पे भी ये यूज करता हूँ। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आपको जरूर लेके आनी है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे आके इन केस अगर आप बीमार हो गए तो कहीं पे बाहर जाने में आप डरोगे कि कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा है, किसी ने देख लिया तो बोलोगे रो भाई साहब तू बीमार हो रहा है, अभी दवाई किसी के लेके जा रहा है, तो ये अपने घर से ले आना आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर इन केस अगर आपको कोई चोट वोट लग जाए तो अगर ये भी आपके साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। कई बार ये आँख ऐसे ये फिंगर का ये छिल जाती है तो दर्द होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी चोट लग जाए तो आप ये हमेशा आपके साथ रखना। और ये होगी आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल, ये भी आपको साथ में रखनी है हमेशा आपके साथ। और उसके साथ आप एक व्हाइट शर्ट लेके आ सकते हो और कुछ फॉर्मल पैंट्स लेके आ सकते हो, ताकि आप अगर आप यहाँ पे अपने जॉब के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप इजीली आपके पास कुछ ऐसे क्लोथ्स हो जो कि आप जाके पहन सको। और अगर आपके पास इस तरह का कोट है, इस तरह का ब्लेजर है, तो वो भी आप लेके आ सकते हो, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और एक और इम्पोर्टेंट, अरे यार ये पड़ी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकेस आप ड्यूटी में हो और आपकी कुछ दिक्कत हो जाए, आपका पैंट का बटन टूट जाए, तो आपको शर्मिंदा ना हो अपने किसी के सामने, और आप इजीली से अंदर जाके अपना पैंट का बटन लगा सकते हो या शर्ट का भी बटन लगा सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना भाई। ये सुई धागा जरूर लेके आना, सुई धागा इज एवरीथिंग हियर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु इज फेसिंग प्रॉब्लम आफ्टर कमिंग टू दुबई, दैट दे हैव ब्रोकन देयर न्यूली गेटिंग, नई नई शर्ट मिली उसी का बटन टूट जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके अलावा और क्या भाई, अभी चलो आपको मैं खाने पीने का बता देता हूँ कि उस चीज के लिए आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। लेकिन उससे पहले यार ये पैक तो करवा दो मेरा, ये इसने पैक कौन करवाएगा, अभी इनको सारा पैक करके फिर आपको आराम से खाने पीने के बारे में बताता हूँ। तो भाई बैग तो पैक हो गया, अभी आपको बता देते हैं कि आपको खाने पीने के लिए क्या कुछ लेके आना चाहिए। देखो यार, खाने पीने का सबसे मेन बात क्या है कि आपकी कौन सी चीज लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। मेरे हिसाब से मेरी माँ मेरे को गूंद बना के देती है, जब भी मैं आता हूँ या कोई मेरा दोस्त इंडिया से आता है तो गूंद बना के देती है वो। आप आपकी लैंग्वेज में शायद पंजीरी बोलते होगे या फिर कुछ और, जो आटा के लड्डू होते हैं उसमें आटा और शक्कर घी, बढ़िया वाला घी, देसी घी मिला के वो पूरा डब्बा भर के दिया था मेरी माँ ने। मैं आपको पहले वो डब्बा दिखाता हूँ। तो ये डब्बा दिया था भाई, जो आते ही मेरे 3-4 दिन में खत्म हो गया था, क्योंकि लोकेशन पे और वहां पे जब मैं नया नया आया था तो मैं पहले 2-4 दिन आउट लिविंग रहा था, तो उस टाइम में ये आधे से ज्यादा खत्म हो गया था, तो इसका ये हिसाब था। तो और क्या लेके आ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप नए नए आओगे ना, तो नए नए आने के बाद आप सोचोगे हर चीज के बारे में कि यार
चाय इतनी महंगी है, बिस्कुट इतने महंगे है, और माय गॉड इतना महंगा खाना मिलता है, 10 दिरहम का खाना यानी कि इंडिया के 200 रुपए हो गए। ऐसी ऐसी बातें आएगी आपके माइंड में जब छोटी छोटी चीजों के बारे में नोट करोगे। और दूसरे के अभी मैं आया था और मेरे साथ मेरे काफी दोस्त आए थे, अभी मेरा तो कतर का एक्सपीरियंस था तो मेरे को तो सब कुछ मालूम था कि ओके यार चलता है, लेकिन वो जब मैं चाय पीता बिस्कुट खाता उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता था यार, मैं बोला भाई तुम लोग खा लियो यार, चल मैं पे कर देता हूँ, तुम लोग खा लियो प्लीज, ऐसा मत करो तुम लोग। और अभी इस चीज से हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर आओ तो आपको बिस्कुट, भुजिया या फिर गूंद तो पक्का लेके आना ही आना है अपने, वो तो पक्का डेफिनेटली लेके आना, और मेरे पास भी पहुंचा देना है, ठीक है, कैसे भी करके मेरे पास पहुंचा देना भाई, आई रियली लव इट। जैसे कि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, इन केस अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या पता कंपनी वाले कहीं पे वो करते क्वारंटाइन करते, तो उसके बाद आपके पास जो बैग में सामान आप वो ही खा सकते हो ना, तो इस वजह से काफी जो लोग वो पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं कि भाई मैं तो खाने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ये चावल दे देते हैं, इन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास खुद के बैग में अपना सारा कुछ खाने पीना सामान होगा तो आपको किसी की परवाह ही नहीं होगी। तो अगर आप दुबई में आओ तो ये मत सोच के आना कि यार उधर ही जाके देखेंगे जो कुछ भी, अपना घर से जितना हो सके खाने पीने का अच्छी अच्छी चीज अच्छे से पैक करके ले आना, चाहे वो मैगी हो या फिर भुजिया बिस्कुट या कुछ भी छोटा मोटा स्नैक्स हो, ये जरूर लेके आना है। तो यही थी आज की सारी वीडियो कि आपको क्या खाना चाहिए यहाँ पे आके, क्या लेके आना चाहिए, क्या कुछ सारे जो भी पैकिंग के सवाल थे मैंने सारे दे दिए, क्योंकि मेरे पास कम से कम 10-12 DMs आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं दुबई आ रहा हूँ, मेरे को क्या कुछ सामान पैकिंग करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या कुछ खाने पीने का लेके आना चाहिए। अभी अगर आप होटल मैनेजमेंट में हो किसी वेटर की जॉब में आ रहे हो तो इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि वहाँ पे होटल से अरेंज हो जाता है, बट अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में या किसी लेबर की जॉब में या किसी अन्य जॉब में आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये खाना, क्योंकि शुरुआत में जब आओगे तो हर चीज़ महंगी लगेगी जिसकी वजह से आप बहुत डर डर के थोड़ा थोड़ा स्पेंड करोगे, तो इससे बेटर है कि आप इंडिया से सारा सामान ले आओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपकी जो भी बात थी मैंने वो बड़े अच्छे से समझाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड सो मच मेहनत कि भाई पूरा बैग ही खोल दिया था मैंने और अभी पैक करके रख दिया साइड में। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। कॉमेंट करके बता सकते हो आप मेरे को कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हो, अभी जो मेरे बाकी रूममेट है वो सोना चाहते हैं, तो वीडियो करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।